महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीट के लिए 12 जुलाई को होने वाले द्विवार्षिक चुनाव के लिए मतदान हो सकता है। दरअसल शिवसेना यूबीटी ने पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी मिलिंद नार्वेकर को मंगलवार को मैदान में उतारा है, जिससे चुनावी रण में उम्मीदवारों की संख्या 12 हो गई है। अगर 12 उम्मीदवारों में से किसी ने भी नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 5 जुलाई तक अपना पर्चा वापस नहीं लिया तो उच्च सदन के लिए 12 जुलाई को मतदान होगा। विधान परिषद के इस चुनाव में विधानसभा के सदस्य मतदान करेंगे। महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीट के लिए 12 जुलाई को होने वाले द्विवार्षिक चुनाव के लिए मतदान हो सकता है। दरअसल शिवसेना यूबीटी ने पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी मिलिंद नार्वेकर को मंगलवार को मैदान में उतारा है, जिससे चुनावी रण में उम्मीदवारों की संख्या 12 हो गई है। अगर 12 उम्मीदवारों में से किसी ने भी नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 5 जुलाई तक अपना पर्चा वापस नहीं लिया तो उच्च सदन के लिए 12 जुलाई को मतदान होगा। विधान परिषद के इस चुनाव में विधानसभा के सदस्य मतदान करेंगे।